MSME development and BDS, that is business development providers. तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो MSME हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ प्रोवाइड की है, लाइकवाइज चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, चाहे वेल्थ क्रिएशन को रिगार्डिंग हो, चाहे जो एडवांसमेंट है, चाहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, चाहे सोशल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं उनमें इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के रिगार्डिंग जो कंट्रीब्यूशन MSMEs की, जो बेसिकली जो लार्ज कंपिटिटिव बिजनेस है उसको सपोर्ट करता है, या फिर जो रीजनल इकोनॉमिक डिक्लाइन रहता है उनको काउंटर करने में MSMEs हेल्प करते हैं, क्योंकि जो MSMEs हैं वो छोटे मार्केट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ना वो छोटे मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी कि लिमिटेड मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते बड़े कॉर्पोरेट्स, लेकिन MSMEs जो हैं ये छोटे या फिर लिमिटेड मार्केट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो जब भी कोई रीजनल इकोनॉमिक डिक्लाइन आया है तो उससे लड़ने में जो MSMEs हैं वो सक्षम रहे हैं। और क्या रहा है, लाइकवाइज अब MSMEs आ गए तो उसके कारण कंपटीशन तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक चॉइस जो है, एक डाइवर्सिटी जो है प्रोडक्ट्स की, वो अवेलेबल हो गई है, सो दैट इज आल्सो अ बेनिफिट। सेक्टर्स का रीजनलाइजेशन हुआ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई है, ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द MSMEs। एंड फर्दर जब हम कंपेयर करते हैं MSMEs को विद द बिग कॉर्पोरेट्स, तो यहाँ पर MSMEs के साथ कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं जिसके कारण लेवल प्ले नहीं रहता है, यानी कि अब अगर आप किसी पर्सन को फैसिलिटी दे दें, दूसरे पर्सन को वो फैसिलिटी ना दे, तो उसके कारण एक जिस पर्सन को फैसिलिटी नहीं मिली है उसके लिए उभरना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रह जाता है। एंड इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेटरी बैरियर्स रहते हैं ना, इन्हें जनरली क्या क्लासीफाई किया जाता है, दीज आर क्लासीफाइड एज मार्केट फेलियर, इन्हें मार्केट फेलियर कहा जाता है। लेकिन जब कोई डिसरप्शन रहता है ना मार्केट में, तो बहुत से ऐसे फैक्टर रहते हैं कि जो पहले सिचुएशन चल रही थी, जैसे मान लीजिए कि मार्केट पहले इस लेवल पर थी, ठीक है, जब कोई डिसरप्शन रहा तो उसके कारण जो मार्केट थी वो डाउन हो गई, ठीक है, डाउनफॉल रहा मार्केट में, तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स रहते हैं कि जो मार्केट को ऊपर आने में टाइम लगने में डिले प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को तुरंत ऊपर नहीं आने देते। वो फैक्टर्स क्या है, बेसिकली उन फैक्टर्स को हम रेफर करते हैं एज मार्केट फेलियर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या की जाती है, इंटरवेंशंस की जाती हैं ताकि ये जो फैक्टर्स हैं जो डिले कर रहे हैं इनको रोका जा सके। सो इन इंटरवेंशंस का बेनिफिट रहता है, यानी कि इंटरवेंशंस का क्या रहता है, बेनिफिट रहता है। ये इंटरवेंशंस जो हैं एक्सटर्नल हो सकती हैं एंड ये एड्रेस की जाती हैं बाय द सर्विस प्रोवाइडर, दीज आर एड्रेस्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इनके बारे में बताता है कि आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, इन इंटरवेंशंस को फॉलो कीजिए, जिससे ये जो डिले था ये कम हो सकता है, यानी कि पहले अगर इस तरह से मार्केट जा रही थी तो ये इंटरवेंशंस के जरिए ये डिले को कम किया जा सकता है। अब फर्दर MSMEs को दिक्कत क्या रहती है कि MSMEs के पास ना रिसोर्सेज जो हैं वो कम है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है MSMEs के लिए कि वो इन अपॉर्चुनिटीज़ का पर्टिकुलरली बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। यानी कि जो बेनिफिट है, ये अपॉर्चुनिटीज़ जो रहती हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा जो इंटरवेंशंस बताई जाती हैं, एड्रेस की जाती हैं कि आप इनको अपनाइए जिसके थ्रू आप बेनिफिट ले सकते हैं, अब क्योंकि इनका जो रिसोर्स साइज है वो काफ़ी कम है, उसके कारण से स्मॉलर फर्म्स को दिक्कत रहती है, स्पेशली पर्टिकुलरली उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जो एसोसिएटेड हैं विद द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं तो आप इकोनॉमिकली उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अपना मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो डैट डील्स विद, तो वो किस तरह से हो सकता है, अपग्रेडेशन के साथ हो सकता है, एक्सपेंशन के साथ हो सकता है, तो छोटी फर्म्स के लिए ये सबसे बड़ी समस्या रहती है, ठीक है। फर्दर इट सेड स्मॉल एंटरप्राइजेस आल्सो सफर फ्रॉम इंफॉर्मेशन गैप्स, तो स्मॉल एंटरप्राइजेस में इंफॉर्मेशन गैप्स भी रहते हैं, यानी कि उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहती है। एंड फर्दर वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने को लेकर या फिर जो नई मार्केट में जाकर एंटर करने को लेकर डिफिकल्टी महसूस करते हैं, उसको इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई भी ना मार्केट में तो वो उसे इवेल्युएट नहीं कर पाते कि इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठाया जा सकता है, या फिर कोई जो नई मार्केट है उसमें एंटर करने को हेजिटेंट रहते हैं क्योंकि उन्हें इवेल्युएशन ही नहीं है कि उसका बेनिफिट क्या हो सकता है उस मार्केट में एंटर करने का, ठीक है। तो ये दिक्कतें रहती हैं किसके साथ, जो MSMEs हैं उनके साथ, स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ। एंड फर्दर जैसे कि हमने ऑलरेडी
पिछले यूनिट्स में भी पढ़ा कि एमएसएमईज के पास क्या दिक्कतें थी, कि वो फाइनेंस को एक्सेस नहीं कर पाते थे मार्केट से, कैपिटल को एक्सेस नहीं कर पाते थे पब्लिक से, चाहे डिफरेंट रीजंस के कारण हो, क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होती थी, या फिर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता था वो ज़्यादा पुराना नहीं है या अनप्रूवन है, एंड फर्दर साथ के साथ उनमें जो इन्फॉर्मेशन थी उसके रिगार्डिंग भी कमी थी, जो ऑल्टरनेट सोर्सेज हो सकते थे फंड्स को लेकर उनकी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग भी कमी होती है। एंड फर्दर एक और प्रॉब्लम जो एमएसएमईज को फेस करनी पड़ती है ना, डेट इज रिगार्डिंग द कि अगर वो चाहें भी कि वो उन्होंने लीगल इश्यूज क्रिएट करके किसी फर्म के साथ फाइट करनी है, लाइकवाइज हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो कि एमएसएमई को कोई कोर्ट केस करना पड़े, तो वो कोस्ट से एंड फर्दर जो सही लीगल एडवाइस है ना उसको इग्नोर करते हुए इन चीज़ों से भी पीछे हटते हैं, यानी कि लीगली भी वो दायरे में कम रहना चाहते हैं। एंड एमएसएमईज में इतना एबिलिटी नहीं रहता है कि वो लंबे समय तक जो भी लीगल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको काउंटर कर पाएं एंड उनके प्रेशर्स को झेल पाएं, उसको विदस्टैंड कर पाएं। लेकिन साथ के साथ ये भी ज़रूरी है कि एमएसएमईज सर्वाइव करें, क्योंकि इकोनॉमिकल ग्रोथ अगर चाहिए प्रॉपर, ताकि जो पैसा है वो सिर्फ कुछ एक लोगों के हाथ में ना रह जाए, तो इस चीज़ को श्योर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि एमएसएमईज सर्वाइव भी करें एंड प्रॉपर डेवलप भी हों। नेक्स्ट जो इशू देखने को मिलता है डेट इज़ रिगार्डिंग द रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स। वो किससे रिलेटेड है? रेगुलेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या फिर जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर, उनमें सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसके कारण जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग जो एंटरप्राइजेस भी थी ना उसकी एफिशिएंसी भी कम हो गई, एंड फर्दर इन्होंने जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसके पोटेंशियल को भी कम कर दिया है। रिगार्डिंग कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने व्यूज़ हैं, अपने रैशनल है कि किस तरह से एमएसएमई एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है अपनी स्टेट इकोनॉमीज को लेकर। सो ज़रूरत किस चीज़ की है कि एक अटेंशन इस तरफ दी जाए कि क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट है ना वो पड़े रेगुलेशंस के ऊपर। रेगुलेशन इस तरह की होनी चाहिए कि ओवरऑल ग्रोथ हो एमएसएमईज की। ओके, नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द सिस्टमिक फेलियर्स। तो अगर इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एमएसएमईज को जितना अटेंशन मिलना चाहिए था उतना अटेंशन मिला नहीं है, चाहे वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे इन्होंने इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इनमें, इतना ज़्यादा इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, फिर भी इनको जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो काफ़ी कम है। जो सिस्टमिक फेलियर्स हैं वो ग्लोबल स्केल के ऊपर भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि जो नेशनल पॉलिसीज है ना, यानी कि किसी कंट्री की पॉलिसीज हैं वो ग्लोबल पॉलिसीज के क्या साथ करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड एक दूसरे के जो इफेक्ट होते हैं उनको कैंसिल कर देती हैं। तो नेशनल पॉलिसी जो भी मेजर्स लिए जाते हैं एज पर नेशनल पॉलिसी, उसका अनइंटेंडेड इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ सकता है? छोटी फर्म्स के ऊपर भी पड़ सकता है जो किसी और कंट्री में है, या फिर पर्टिकुलरली स्मॉल कंट्रीज में है। लाइकवाइज दो कंट्रीज हैं यहाँ पर, कंट्री ए एंड कंट्री बी, ठीक है। अब कंट्री ए की जो एमएसएमईज हैं वो कंट्री बी के साथ डील कर रही हैं, एंड यहाँ पर क्या हुआ कि बी कंट्री में कोई ऐसा नया रूल पास किया गया या कोई जो नई पॉलिसी थी उसको यहाँ पर अपनाया गया, जिसके तहत दूसरी कंट्री से जो भी सामान इम्पोर्ट होगा वहाँ पर 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, ठीक है। तो 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगने से क्या होगा, अल्टीमेटली जो बाहर की कंट्री से सामान आ रहा है वो महंगा हो जाएगा, जब वो महंगा हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो कॉम्पिटिशन नहीं दे पाएगा डोमेस्टिक प्रोड्यूस को, ठीक है ना, यही चीज़ रहेगी ना। तो नेशनल पॉलिसी मेजर्स के कारण अनइंटेंडेड इम्पैक्ट पड़ सकता है छोटी फर्म्स के ऊपर। इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण ये भेदभाव हो सकता है, खास करके न्यू कमर्स के लिए, चाहे उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर हो, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हो, जो लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट रेगुलेशंस हैं, जो पर्टिकुलरली डिसएडवांटेजेस हैं किसके लिए, एमएसएमईज के लिए जिन्होंने ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करना है। फर्दर सिस्टमिक फेलियर में क्या आता है, लैक ऑफ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, जहां पर स्टेट्स के बीच में आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है कि वो क्रॉस बॉर्डर जो एमएसएमईज है उनको फैसिलिटेट करें ताकि उनको ग्रो किया जा सके। सो इन पर्टिकुलर अगर एमएसएमईज को डेवलप करना है तो उन्हें स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्किल्स की, एबिलिटीज की, जो हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, सेलिंग से लेकर रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या फिर लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो हो सकता है कि उन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में क्या चाहिए, उन्हें पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए, एबिलिटीज चाहिए। एमएसएमईज को कई बार पता भी रहता है कि उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन वो उन चीज़ों को सीख नहीं करते हैं,
उन चीजों को अपनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार जो ऑनर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनको इस चीज का डर रहता है कि अगर वो किसी के साथ अपने आइडियाज को शेयर करेंगे तो उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो किसी और फर्म के द्वारा, पर्सन के द्वारा चुराई जा सकती है। फर्दर उन्हें ये भी डर रहता है, इस चीज के लिए भी वो रिलेक्टेंट रहते हैं, इसलिए भी वो सामने नहीं आते, इंटरेक्ट नहीं करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि उन्हें रहता है कि उनके जो इंटरपर्सनल या फिर जो टेक्निकल स्किल्स है ना, वो सोफिस्टिकेटेड कंसल्टेंट्स के साथ डील करने के लिए इनफ नहीं है। ठीक है, तो उनके मन में इस चीज को लेकर भी इन्फेरिटी रहती है। फर्दर कई बार एंटरप्रेन्योर्स को इस तरह की सर्विसेज की अवेलेबिलिटी के बारे में या इस तरह की सर्विसेज की कॉस्ट के बारे में नहीं पता रहता है, उनकी अपनी ही चॉइस रहती है, अपना ही एक इमेज रहता है उनके मन में कि ये जो सर्विसेज होंगी काफी महंगी होंगी, कॉस्टली होंगी, या फिर अवेलेबिलिटी के बारे में उनको पता नहीं रहता है। फर्दर कई बार उन्हें फील होता है कि जो सपोर्ट अवेलेबल है ना, वो उनकी नीड्स के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, एंड कई बार वो प्राइस को देखकर भी डिस्करेज होते हैं, या फिर रीजन रहता है कि जो कंटेंट ऑफ सपोर्ट है वो उन्हें पार्टिसिपेटिव नहीं लगती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण जो एमएसएमई से उनको पता तो होता है कि उन्हें इस तरह की सर्विसेज की जरूरत है, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन वो उन्हें अपनाती नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन लेकर आना गवर्नमेंट के बीच में, मीडिया के बीच में, एंड जो भी पॉपुलर ओपिनियन सपोर्टिव चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को, ये एक जो टास्क है डेट इज डन बाय द बीडीएस, डेट इज अ बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो एक जरूरत है कि हम जनरल एजुकेशन के बीच में एंड जो स्पेसिफिक एजुकेशन है जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स को पैदा करेगी, उनके बीच में एक डिफरेंस को समझें। तो जो स्पेसिफिक एजुकेशन है जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स को डेवलप करती है, बिल्टअप करती है, वो बेसिकली अवेयर करती है रिगार्डिंग कि इकोनॉमी को लेकर एंटरप्रेन्योर्स का क्या रोल है। फर्दर जो कमर्शियल अवेयरनेस है उसको इंकरेज करती है, एंड साथ के साथ जो सोशल स्टैंडिंग है एंटरप्रेन्योर्स की उसको रेज अप करती है, एंड एक अवेयरनेस पैदा करती है कि एंटरप्रेन्योरशिप को एक कैरियर ऑप्शन की तरह चूज किया जा सकता है, एंड जो भी नेसेसरी एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं उनको डेवलप करती है, एंड फर्दर बताती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स नॉलेज है, क्वालिटीज हैं, उनको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज एंड जो मैनेजमेंट हैं, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में, जिन्होंने एंटरप्राइज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को शुरू किया है, इंक्यूबेशन सेल्स को शुरू किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि जो एक्सटर्नल एक्सपोजर जो मिलना चाहिए, ठीक है, वो मिल सके। इसके कारण से बहुत सी अभी भी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे स्किल्स हैं, सर्विसेज हैं, जिनके रिगार्डिंग हैंड होल्डिंग जो है वो एंटरप्रेन्योर्स की करनी पड़ती है ताकि वो सक्सेसफुल हो सके। एंड फर्दर हम चाहते हैं कि एमएसएमई जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दें इकोनॉमी में, तो इस चीज को समझना जरूरी है कि हमें उन्हें वायबल बनाना होगा। जब तक उनकी एक्सपर्टीज एंड उनका एक्सपीरियंस इंप्रूव नहीं होता, तो जो बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इसी तरह की फैसिलिटेशन को ऑफर करते हैं, यानी कि वो हैंड होल्डिंग करते हैं स्टार्टअप्स की, एंड उन्हें एडवाइज करते हैं उनके ग्रोथ प्रोसेस के दौरान, एंड उनकी हेल्प करते हैं कि किस तरह से वो स्ट्रेटेजीज को अपना सकते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में सस्टेन कर पाए। एंड फर्दर वो एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करते हैं कि किस तरह से वो प्रॉपर लीगल एडवाइस को सही समय पर ले सकते हैं। इसके थ्रू क्या रहता है कि वो फर्दर हेल्प करते हैं रिगार्डिंग कि बिजनेस प्लान को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, फर्दर उनका पीरियोडिक रिव्यू करते हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस टारगेट्स को अचीव किया है या नहीं किया है। एंड ये जो प्रोवाइडर्स होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, दीज आर इन द शेप ऑफ मेंटर्स, एडवाइजर्स, कंसल्टेंट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है इंडिविजुअल का, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, इंडस्ट्री एसोसिएशन भी हो सकती है, या फिर कोई स्पेशल विंडो असिस्टेंस भी हो सकती है। ठीक है, तो मेन पर्पज क्या है, हैंड होल्डिंग करना स्टार्टअप्स की जब उनका ग्रोथ प्रोसेस है उसके दौरान, फर्दर उनके हेल्प करना रिगार्डिंग द किस तरह से बिजनेस प्लान बनाना है, किस तरह से उसका पीरियोडिक रिव्यू करना है ताकि वो जो अपने टारगेट्स हैं उन्हें अचीव कर पाए।